नगर निगम चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने 9 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने 6 वार्ड्स में पार्टी के विरुद्ध खड़े 6 उम्मीदवारों सहित 9 नेताओं को निकाला है। कांग्रेस के पंजाब प्रधान श्री सुनील जाखड़ ने यह फैसला लिया है। वहीं अमृतसर में मीडिया को जानकारी देते हुए डॉक्टर राजकुमार वीरका ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है और किसी भी बागी नेता को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कॉरपोरेशन के चुनाव नहीं है, इसके बाद भी अगर कोई बड़ा नेता पार्टी के खिलाफ, खास तौर पर उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाजमी गल है कि जेडे लोग पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं, जेडे लोग पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो पार्टी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा रही है। और क्योंकि डिसिप्लिन की पार्टी हैगी है और किसी को भी ये हक नहीं कि एक ऑफिशियल कैंडिडेट के सामने वो मुखालफत करे या इलेक्शन लड़े। ये वास्ते छोटा हो या बड़ा, हर एक दे खिलाफ कार्रवाई होंगी है और होंगी रहेगी। बिल्कुल कोई जिन्ना मर्जी बड़ा लीडर क्यों ना हो, चाहे छोटा वर्कर क्यों ना हो, जिहड़ा भी कोई आदमी जिहड़ा ऑफिशियल कैंडिडेट की मुखालफत करेगा, वो खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा, वो खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगी कांग्रेस। 8 के करीब कड़े है, अजे होर भी लिस्ट हैगी है, होर भी कड़े जाएंगे।